जय हिंद नीटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है भाई नीटर की तरफ से। अब यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं भाई, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, सारा कुछ। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि यदि आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी ITI डिप्लोमा को परमानेंट जॉब निकल कर आती या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वीडियो नहीं डालता हूँ, ये आपको भी पता है। तो यहां पर आपको उस इंफॉर्मेशन को जो है यहां पर डीप में देखने मिल जाए। तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहां पर जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी, यहां पर जितनी भी जो पोस्ट है यह ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। इसका जो डेट आप देख रहे हो भाई, पब्लिशिंग डेट वो 21 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ने आउट किया है, मतलब पब्लिश किया है ना। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर सारा कुछ दिया है। अब ये जो आप वैकेंसीज देख रहे हो भाई, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर काफ़ी कम है। बाकी देखो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट ठीक है, बाकी जो और अदर पोस्ट हैं वो यहाँ पर काफ़ी कम है। लेकिन भाई ये आपके लिए परमानेंट जॉब रहने वाली है, यदि एलिजिबल हो तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि परमानेंट जॉब की वैकेंसीज बहुत कम कम निकलती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो पोस्ट है मैं आपको डायरेक्टली लेकर आता हूँ। जैसे यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डिप्लोमा वाला कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है भाई। ये जूनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है, ग्राफिक असिस्टेंट की यहाँ पर, टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, पे लेवल आपका 5 यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन की जो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन रखे होंगे तो वो आगे जाके आपके क्लियर होंगे। तो लेवल 4 का यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर टेक्नीशियन की लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। अब सीनियर टेक्नीशियन में अगर टोटल नंबर पोस्ट की बात करूँ तो 4 है, और टेक्नीशियन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चीज़ों को क्लियर करते हुए नीचे लेकर चलता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है मैं डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूँ जो टेक्निकल असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या उनके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। यहाँ पर भाई आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन फाइन आर्ट कमर्शियल आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और यहाँ पर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट ग्राफिक असिस्टेंट की यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। उसके बाद BBTech अगर आपने किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और 35 ईयर यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। अगला जो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की यहाँ पर जूनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की पोस्ट है। अब यहाँ पर भी आपका जो है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और 10 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो भाई इतना एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने किस बेस पे रखा है ये चीज़ मुझे खुद यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पर जो है BBTech वालों को 5 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है, वही 35 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो है फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर भाई 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी सेम वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, सेम यहाँ पर भी चीज़ों को भाई क्लियर किया है इन्होंने। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ पर भी आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 10 ईयर का आपके पास जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, है ना। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर ड्राफ्टमैन है, यहाँ पर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल और मैकेनिकल, या फिर सिविल में है या फिर मैकेनिकल में आपका होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, SC की पोस्ट है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर आपका लेवल 5 का सैलरी रहेगा, ठीक है, और BBTech किया है तो सेम आपके पास 5 ईयर का जो है यहाँ पर होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर भी भाई आपका लेवल 4 का सैलरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, सर्जेंट एंड इक्वल पोजीशन इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस का, तो इनमें सारा कुछ जो क्राइटेरिया फिल करना होगा आपको यहाँ पर जो मांगा गया है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ जो हमारे टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर आपको मैं लेकर चलता हूँ। बाकी इन सब में तो भाई देखो एक्सपीरियंस में मैंडेटरी है, और टाइपिंग वगैरह इन सब में मांगा गया है। जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो सेक्शन, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को मैंडेटरी किया गया है, जैसे 3 ईयर का एक्सपीरियंस है SSA पोस्ट के लिए, फॉर SSA पोस्ट के लिए यहाँ पर, तो ये सारा कुछ कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएगा, ठीक है, ये सभी जानते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, सीनियर टेक्नीशियन जो ITI वाले कैंडिडेट है ना, अब यहाँ पर भी भाई ITI होना चाहिए आपका, या तो इलेक्ट्रिकल में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में,
और उसके साथ यहाँ पर भी सेम भाई 10 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने दे दिया है। अब भाई एक बात बताइए, कैंडिडेट 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएगा, ठीक है? 10 साल के एक्सपीरियंस में उसका कितना एज का यहाँ पर भाई सारा कुछ चला जाएगा, ठीक है? 10 साल का मतलब एक्सपीरियंस इन्होंने किस बेस पर दिया है ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है, ठीक है? पे स्केल काफ़ी अच्छा है लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जो है कैंडिडेट के लिए हो गया है ना। तो ये चीज़ जो आप खुद मान के चलिए कि वो 10 साल जब कहीं काम करेगा तो उसका कितना डिस्टेंस जो है यहाँ पर चला जाएगा, वो तो डेफिनेटली अदर वैकेंसीज के लिए वैसे ही ओवर एज हो जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है ना। लेवल 4 का यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी, या फिर डिप्लोमा किया है तो आपने यहाँ पर आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो है 35 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब जो अगली पोस्ट है वो भी यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, यहाँ पर 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर आपका टाइपिंग स्पीड 3 WP वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, है ना। और यहाँ पर अगर है तो टाइपिंग है यदि आपके पास तो भाई यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में है, यहाँ पर कोई मैंडेटरी है नहीं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9 है ना, जिसको अलग अलग कैटेगरी में जैसे UR की 6 है, OBC की 2 है, SC की 1 है ना। बाकी अगर थोड़ा सा और मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए आपको चलूँ, टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 6 हैं, जिसमें UR की 4 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है। लेवल 2 का आपका सैलरी रहेगा, आपका 10th और ITI होना चाहिए, या फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लंबिंग वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस फिर आपको मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। डिप्लोमा में भी भाई आपका 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर भाई मैंडेटरी है ना। 35 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। तो ये सारा कुछ जो है भाई क्राइटेरिया आपको जो है यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ आपको फिल करना है भाई, फुल नेम आपका, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। फुल नेम वगैरह यहाँ पर फोटो वोटो लगा देना, और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड वगैरह जो भी आप लिख रहे हो, मतलब जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो सारा कुछ लिख देना, हस्बैंड नेम जो है या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर कहीं वर्क कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, नहीं अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं दोगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करोगे, यहाँ पर पासिंग ईयर वगैरह, ठीक है, परसेंटेज आपके, ड्यूरेशन कितने साल का आपने कोर्स किया है, ठीक है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, और डिटेल नोटिफिकेशन अटैच फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि यहाँ पर आपने कहीं पर भाई काम किया अदर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट इन कॉर्नियोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहाँ पर तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप दोगे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे भाई, जिसके लिए भी आपने फॉर्म को फिल किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दोगे, ये जितने भी हैं भाई। किस NOC अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो उसके सबके जेरोक्स आपको भेजने हैं भाई, सबके जेरोक्स आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके डिपार्टमेंट को वहाँ पर भेजने होंगे, है ना। जेरोक्स भेजने, नहीं तो ओरिजिनल ना भेज दो भाई, जेरोक्स भेजने हैं आपको, याद रखना, है ना। उसके बाद ये है यहाँ पर आपके सिग्नेचर वगैरह कर देना। बेसिक चीज़ें हैं भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भरने लायक नहीं है तो वो आप नहीं भरोगे, जैसे एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो यदि आप इसको भर सकते हो तो ठीक है, है ना, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक ये सब आपको जो है ध्यान से फॉर्म फिल करना होगा, फोटो वगैरह यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, और आपको जो है भेजना इनके एड्रेस पर ही है, ठीक है। तो इनका एड्रेस भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपको कहाँ तक आपको इस फॉर्म को भेजना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ भाई। यहाँ पर जो आप देख सकते हो 20 फरवरी 2023 से पहले आपको इस फॉर्म को डिपार्टमेंट को भेज देना है ना, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो 20 फरवरी 2023 से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपकी फीस नंबर जो लगने वाली है वो ₹500 जनरल EWS और OBC कैंडिडेट की लगने वाली है, बाकी ST SC और PWD कैंडिडेट की, यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली। इस बैंक अकाउंट में आपको जो है अपनी फीस पे करना होगा। उसके बाद आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ, है ना, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और बाकी एड्रेस आप देख सकते हो भाई, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये जो है आपका एड्रेस यहाँ पर आपको भेजना है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल
टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च नीटर, यहाँ पर ये सारा कुछ जो है पूरा चेन्नई 60113 तमिलनाडु, यहाँ पर जो है बताया गया है पूरा एड्रेस। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भेजना है, ठीक है भाई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, जितने भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट को भेजना है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई एक भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर छोड़ोगे नहीं, आप सबके जेरोक्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके डिपार्टमेंट को भेजना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हो, है ना। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है डेफिनेटली यहाँ पर भाई अप्लाई जरूर करिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन यहाँ पर जो है रिटन टेस्ट होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और जो पोस्ट में फिजिकल टेस्ट होना रहेगा वहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। वैसे तो ITI और बाकी जो अदर फील्ड टेक्निकल फील्ड है यहाँ पर स्किल टेस्ट ही होता है, तो ये चीज़ें भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी ये सारा कुछ भाई यहाँ पर बताया गया है, तो ये सारी आपको सुविधाएं जो है जब आप यहाँ पर लग जाओगे तो वो सारी आपको दी जाएंगी। बाकी भाई मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर यहाँ पर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। बाकी आने वाली हर टेक्निकल जॉब के लिए चैनल के साथ भाई ज़रूर बने रहिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ध्यान रखिएगा।